जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, ये आज मैं फिर रहा जना ताज़ा तरीन जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। D12 सेक्टर से लेकर D17 सेक्टर तक जो बीच में मार्गल्ला रोड जो बन रही है उसके लिए। ये अभी जो है ना मैं E11 वाली साइड से आ रहा हूँ, ठीक है। और ये अभी मैं मुड़ूंगा जो मार्गल्ला रोड के साथ ही पैरेलल में एक रोड जा रही है, इसको जो है सर्विस रोड साउथ भी कहते हैं, ठीक है। और इस रोड पर अभी ये मार्गल्ला के साथ साथ पैरेलल में जा रही है, ठीक है। तो ये आज मैं मुकम्मल वीडियो इस जगह से बनाऊंगा, कितना टाइम लगेगा ये भी शेयर करूंगा, कितने किलोमीटर्स लगेंगे ये भी शेयर करूंगा। ये अभी किलोमीटर्स बेशक नोट कर लें मेरी गाड़ी पर, फिर हम एंड पर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जनाब साउथ रोड है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं सामने जो है वो जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये जो है एक मेजर मखदूम सोसाइटी है। बहुत जो है इस टाइम इसकी मार्केट बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। इधर जिन्होंने अपने लिए प्लॉट और घर बनाए हैं, प्लॉट ख़रीदे हैं, घर बनाए हैं, उनके तो भाई वाह वाह मज़े हो गए हैं। बहरहाल तो अल्लाह पाक सबको जो है ना सबके कारोबार में और कामों में बरकत डाले, ठीक है। ये जो है इस साइड पर जो है इन्होंने लेवलिंग शुरू की हुई है, कहीं पे खाका भी डाला हुआ है, तो यहाँ तक ये पहुँच गए हैं माशाल्लाह। तो ये FWO का काम है, ठीक है। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा ना इसमें कट्स लेकर आऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये रोड तो आप लोग का आइडिया हो गया, आगे जो है कंक्रीट रोड से दोबारा मैं कंटिन्यू करूँगा। ये FWO की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तराई भी कर रही हैं साथ साथ, अभी इसको कारपेटिंग के लिए ना ये तैयार कर रही हैं, ठीक है। ये इधर से भी वो मखदूम सोसाइटी के लिए रास्ता जाता है, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनका है ना माहौल बन गया है माशाल्लाह, ठीक है। तो D12 में तो खैर बहुत हाई रेट चल रहे हैं इस टाइम जो है, 5 मल्ले 4.5 मल्ले का प्लाट बल्कि 2-2 करोड़ और 2.5-2.5 करोड़ के हैं। और अभी जो है ये मखदूम सोसाइटी में पहले सस्ते थे, आजकल के रेट थोड़े हाई हुए हुए हैं, 15-15 लाख तक मरला बात चली गई है, ठीक है। ये इधर भी लेवलिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है अभी जो है। आगे मैं आप लोगों को और भी आज पूरे पूरे रोड की वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इधर से मेरे ख्याल से थोड़ी सी कटिंग बनाएंगे इस रोड के लिए। अभी हम इधर से ये एक कंक्रीट रोड बनाया है इन्होंने RZ, यहाँ पर जो रोड जब ये बन जाएगी तो इधर के लिए भी कुछ इस तरह कोई रोड बनाएंगे जो लिंक होगा SD12 के साथ, ठीक है। तो ये अभी ये देखें सारा इन्होंने कटिंग कर लिया है। ये आज जो है 21 तारीख है, लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल ताज़ा तरीन, आज मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो है ये देखें, इससे पहले जो है इधर कुछ भी नहीं था, बहुत कम काम हुआ हुआ था, अभी देख लें ज़बरदस्त इन्होंने ना कटिंग कर ली हुई है। जनाब ये थोड़ी सी मेरी वीडियो भी आ गई है, आप लोगों के सबको सलाम, गुज़िश्ता ईद मुबारक, बल्कि अब तो दूसरी बड़ी ईद का आने का इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं साथ साथ, सही है। तो जनाब ये अभी वीडियो बन रही है, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाए कि कितना काम हुआ है, कितना रह गया है, ठीक है। तो खैर इनका तो कोई इशू नहीं होता, ये तो दस्ती दस्ती मुकाते हैं काम को। ये अभी इधर कब्रिस्तान है, इसका पता नहीं अभी ये क्या करेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा फिलहाल। बहरहाल ये कब्रिस्तान है, ठीक है। तो मेरे राइट साइड पर जो है ये मेजर मखदूम सोसाइटी है, इनके तो मज़े हैं। अल्लाह पाक इनको
और बरकत और खुशियाँ दे। ये जो है इधर भी ये रोड गुजरेगी, अभी इधर इन्होंने कुछ शुरू नहीं किया हुआ, देखते हैं एंड पर क्या करते हैं इसके साथ। ये जो है रेंजर चौक इसको कहते थे शाला दिता में, तो ये तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा बहरहाल, इधर फिर क्या करेंगे ये तो पता नहीं मुझे। ये जो है हम क्रॉस करते हैं, आज मैं सारा आप लोगों को ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ इसलिए कि बहुत से लोग इधर आकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, उधर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं भाई रास्ता ही नहीं होता आगे निकलने के लिए, तो वो किसी गली शली में घुस जाते हैं तो ख्वार होते रहते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ये भी मकसद है कि सबको पता चल जाए कि भाई ये रास्ता है, इस पर आना है, इसके अलावा किसी और रास्ते पर आते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भाई जान हमारी नहीं है। क्या ख्याल है? तो ये जो है ट्रक भी आ रहे हैं, आज तो टेम्परेचर भी बड़ा हाई हुआ हुआ है, अल्लाह करे बारिशें हो जाए, काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टॉप इसलिए बीच में करूँगा, वो सामने जो है वाह ज़बरदस्त, ये पहले कटिंग नहीं हुई हुई थी, 2-3 हफ्ते पहले मैं आया था, ये कटिंग नहीं हुई हुई थी, देख सामने से बिल्कुल, ये इधर से रोड आएगी बिल्कुल सीधी। ठीक है, फिर हम बिल्कुल सीधा ही इसी तरह ना, ये डबल रोड सारी इसी तरह ना बन जाएगी D12 तक, वो जिधर मैंने आपको कटिंग दिखाई जिधर तराइयाँ हो रही थी उधर निकल जाएगी, कब्रिस्तान के साथ ही क्रॉस करके ऊपर से वो फ्लाईओवर बनाते हैं, टनल बनाते हैं, क्या करते हैं ये अभी उसका कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता, बहरहाल उन्होंने शायद कुछ डिसाइड किया हो लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, तो ये इधर से इन्होंने जो है कुछ रास्ता भी बनाया है, लेकिन मैं अभी ये रास्ता इसलिए नहीं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे किस तरह की सिचुएशन, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होकर, ये आगे से तो इसे डाइवर्जन बनाई हुई है इन्होंने, उसी से ही डाइवर्ट होकर मैं दूसरी साइड से फिर देखूँगा इसको, वो उन्होंने पत्थर शत्थर रख के बंद किया हुआ है, बहरहाल इसी कोई रास्ता नहीं होगा इसीलिए बंद किया हुआ है, तो इस पर नहीं जाने की ज़रूरत है। ये जो मशीन लगी हुई है कटिंग कर रही है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट है भाई, ये हम इधर से थोड़ा सा ये डाइवर्जेंट है भाई देख लें, वो उधर से मैं आ रहा था, वो जो रोड बनी हुई है ये थोड़ी सी डाइवर्जेंट बनाई है, लोगों के अपने प्लाट हैं, इनकी भी वैल्यू बन जाएगी, बल्कि बनी हुई है अब तो, अब किधर रहेगी ये वैल्यू, अब तो वैल्यू बहुत हाई चली गई है इन एरियाज की। थोड़ी सी ख़राब रोड है बहरहाल, लेकिन गाड़ी गुजर सकती है, इतनी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से टाइम और किलोमीटर्स की काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि ये जो रोड है यहाँ से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर है GT रोड तक, संगजानी इंटरचेंज जिधर आता है उस रोड तक। ठीक है, ये अक्सर गलियों में बंदे घुस जाते हैं तो फिर वो ढूंढते रहते हैं कि यार हमने जाना किधर था, तो ये मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ पूरी ताकि वो देखें आपको सामने नज़र आ रहा है वो कारपेट हुआ हुआ है। ठीक है, उस तरफ हम अभी जाएंगे पहुँचेंगे, ये देखें लोग उन्हें घर शर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जनाब मैंने आपको दिखाने का सारा आज जो वीडियो दिखाने का जो मकसद है वो ये देखिए गलियों में अंदर घुस जाते हैं फिर ना इनको समझ नहीं आती अब जाना किधर है आगे, तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मकसद ये है कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। ये देखें वो ज़बरदस्त, ये तो सारा ही तकरीबन बन ही गया, तो ये इसी रोड पर आपने रहना है, सही है। ये अब वो पहाड़ी है जिधर मैं आपको बताया था कि यहाँ जाने का कोई रास्ता होगा कि नहीं होगा बहरहाल, लेकिन चलें मैं इसलिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि टाइम ज़ाया हो जाता, ये सारी मशीनरी भी आ गई है इधर। ठीक है, वो गाड़ी जा रही है किसी के पीछे पीछे ही जाते हैं, वैसे ये सर्विस रोड है इस पर पहले हम जाते थे, अब तो ये यहाँ तक आ गए हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, तो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ है, ये लगातार लगे हुए हैं ये जनाब,
जा रही है। थोड़ा से झटके झटके लग रहे हैं, बहरहाल थोड़ा कैमरा है ना स्टेबल नहीं है, गाड़ी रुकी हुई है, पता नहीं ख़राब हो गई है क्या हुआ है। चलो देखते हैं, ये थोड़ा मैंने कंटिन्यू रोक ली थी वीडियो क्योंकि बीच में थोड़ा सा ना गाड़ी ख़राब थी उसका थोड़ा वो, ये तो बड़ी स्पीड में आ रहा है भाई, अल्लाह खैर। मैं कार रेलिंग के लिए निकला हुआ है, तो इस तरह की ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तो बड़ा ख़तरनाक होता है, नाशुक्री होती है किस्म की अपनी सवारी के साथ कि आप है ना अपनी सवारी का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहते, तो कहीं रेंट पर लिया हुआ है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो या तो कहीं रेंट पे लिया हुआ है या इस तरह कोई चक्कर होगा, तो बहरहाल उसकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी सोच से बंदा गाड़ी चला रहा होता है। ये जनाब ये पहुंच के हम थोड़ी से मतलब रोड तो सही थी, अभी वो तो लगे हुए हैं उसको लेवल करने, ठीक है। वाह जी ज़बरदस्त, ये जो है बन गई है, आगे सारा फिर कारपेट है भाई, कोई बड़ी जल्दी थी, पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी क्यों होती है, हो सकता है कोई टेंशन हो, क्या ख्याल है, कुछ कहना भी नहीं चाहिए, हो सकता है कहीं कोई फोतगी वगैरह हुई हो, कोई मसला हो, कोई बीमार हो, तो बंदा एकदम से सोचना ये नहीं चाहिए कि यार ये तो बदतमीज़ी कर रहा है, चलो हर बंदे का अपना आइडिया है। अच्छा जी, तो ये सिस्टम है यहाँ से जनाब, ये कारपेट हुआ हुआ है, बहुत ही शार्प है, यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी निकालते हैं। अच्छा जी, ये अब सारा यहाँ से कारपेट है, यहाँ पर 888 जो है किलोमीटर हो रहे हैं, अभी देखते हैं कारपेट कितने किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो ये भी जनाब हम जा रहे हैं, बिल्कुल कारपेट मोटरवे की तरह रोड है, सिर्फ इसका इन्होंने अभी जो है लाइनें शाइनें डाल दी है ताकि वो थ्री लाइन पट्टी नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये जनाब आपके लिए मैं स्पेशल बना रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद शेयर भी करना है, कमेंट भी करने हैं, कोई चीज़ आप लोग चाहते हैं कि ऐड हो तो वो भी हो जाए ऐड, ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से और लाइक करने की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है, फिर हम और वीडियोस शेयर करते हैं, ठीक है। तनकीद भी होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि ये हमारी मेहनत का सिला होता है हमारे लिए, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का स्पेशल ख्याल रखें। इस टाइम मैं बल्कि जा भी रहा हूँ अपने माँ बाप की तरफ, मेरे मम्मी अब्बू जो है रहते हैं D17 में, तो ये भी एक चलें आप लोगों को एक मैंने वीडियो भी बना कर दे दी है रास्ते में, ठीक है, तो ये आप लोगों को फायदा हो जाए, सही है। ये जो है इस साइड पर भी सर्विस रोड बन रही है, ठीक है। ये डी सेक्टर से हैं मेरे इधर लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर सी सेक्टर से सारे, ठीक है। तो ये आगे जो है मेरे ख्याल से ब्रिज रेडी हो रहा है, ब्रिज तक मैं आप लोगों को ले जाता हूँ, मोटरसाइकिल भी आ रहा है, वो सामने ब्रिज रेडी हो रहा है इसकी, ये भी शटरिंग कर रहे हैं, मैं शटरिंग तो की होगी, अभी तो कारपेट कर लेना चाहिए उनको, किए भी होगा शायद, देखते हैं अभी पहुँच कर। वैसे तो ट्रक वगैरह उधर से डाइवर्जन के रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है D14 में और D14 ये जो है बड़े ज़बरदस्त सेक्टर है, इस टाइम
इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अभी ये जो है ना वो आगे ब्रिज बन रहा है, ये डाइवर्जन, ठीक है, इस डाइवर्जन पे मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ, ठीक है। आगे से ट्रक आ रहा है, जोड़ा था। अच्छा जी, ये जनाब डाइवर्जन है, पुल आगे बन रहा है ब्रिज के, अभी वो लेवलिंग कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो सामने रोड आपको नजर आ रही है, वो जो है ये सर्विस रोड है डी सेक्टर्स के लिए, इसके साथ पैरेलल में चलती रहेगी ये रोड। तो ये जो है डाइवर्जन है, ठीक है ना, इस डाइवर्जन पे आप लोगों ने आना है जब आपके सामने ब्रिज आ जाएगा, ठीक है। तो रास्ता आप लोगों ने गलत नहीं करना आप इस बार, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का बल्कि मकसद ही ये है कि पूरी वीडियो बनाई जाए ताकि आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं D17 से D12 आने के लिए, तो आप इजीली आ सकें, ठीक है। तो ये जो है ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इसके लिए वो उस तरफ ब्रिज बन रहा है, ठीक है। तो ये वी टाइप जगह बनी हुई है, इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साइड इस्तेमाल कर रही है, ये नीचे वाला साइड नहीं इस्तेमाल करना, वो फिर कहीं और निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी मैं जा रहा हूँ D12 से जो है ना ये रास्ता, D12 से D17 जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लेना, कंफ्यूज ना कर देना, ये ना हो फिर आप लोग समझो कि यार ये तो D17 से D12 का रोड है या D12 से D17 का रोड है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। और कमेंट लाजमी किया करें, देखें आप लोगों के कमेंट से मुझे ना आइडिया होता है कि मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। और लाइक करें वीडियो, लाइक करें, ठीक है, कंजूसी ना किया करें, लाइक किया करें, देखें एक लाइक से अगर कोई बंदा खुश होता है तो, बल्कि सुन्नत का तरीका भी है कि भाई आपकी स्माइल से, सिर्फ आपके मुस्कुराने से कोई बंदा अगर खुश होता है तो वो भी एक सदका है। तो भाई आपके आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो आपके लाइक से बंदा खुश हो जाता है, तो भाई आप लोग लाइक किया करें, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, लाइक लाजमी किया करें, ठीक है। ये सामने ब्रिज बन रहा है, ये इन्होंने अभी इसकी शटरिंग कर रहे हैं, ऊपर जो है ये मसाला डालकर कारपेट कर देंगे, फिर हमें इधर से आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक आना है इधर से, ठीक है। ये ट्रेन यहाँ से गुजरती है नीचे, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ये जनाब ये हम आ गए हैं ब्रिज के दूसरी साइड पर, ठीक है, ब्रिज के कौन सी साइड पर, दूसरी साइड पर। तो ये मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ है, अहमद हयात नाम है, बड़ा क्यूट सा काका मुन्ना है। तो ये इस टाइम मेरा कैमरामैन बना हुआ है, देखें आप वीडियो, मैं के साथ साथ देख रहा हूँ वीडियो सही बन रही है कि। अच्छा जी, ये ब्रिज हम अब पीछे छोड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं ये D17 वाली साइड पर आ गए हैं, ठीक है। हमारे लेफ्ट साइड पर जो है ये डी सेक्टर्स है, राइट साइड पर जो है ये सी सेक्टर्स है, ठीक है। अब जो है हमने गाड़ी दबानी है यहाँ से कारपेट रोड के ऊपर, जब हम जैसे ही चढ़ेंगे गाड़ी को रेस मारेंगे, क्या ख्याल है, थोड़ी सी रेस मार लेते हैं, है ना। रोड वैसे भी खाली है तो चलो उस लिहाज से वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से लंबी होती जा रही है, लेकिन बहरहाल अब अगर पूरा वो दिखाना है आप लोगों को एरिया, तो वो देखें साथ में लेवलिंग करते जा रहे हैं, ये सेक्टर वाले कर रहे हैं D16 D15 ये मेरे साइड पर हैं, इसमें आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मुझसे भी बेशक रब्ता कर सकते हैं। नीचे कॉमेंट में अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस नोट करवाएं, मैं उस पर व्हाट्सएप नंबर नोट करवाएं, मैं उस पर आप लोगों को तस्वीरें भेजूंगा प्लॉटिंग की जो D14 में और D15 में है, तो मैं आप लोगों को भेजूंगा, अगर कोई समझ आती है तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाता हूं, ठीक है। आजकल रेट बड़े मुनासिब हैं, अगर बल्कि हाई हो गए अब तो, पहले तो कम थे रेट, अब तो हाई हो गए। आप फ़ोन करेंगे तो मैं आप लोगों को जगह दिखाऊँगा, रेट भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अभी सारी रोड की वीडियो आ रही है आपके पास, ठीक है, सिर्फ लाइनिंग होनी है अब इसमें, सही है। तो ये जनाब
हम जो है वो सामने दरख्त नजर आ रहे हैं, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है भाई। ये जनाब हमने आप लोगों को रोड सारी दिखा दी, अब ये किलोमीटर भी बेशक नोट कर लें। ये किलोमीटर आपने वो पहले भी जो मैंने किलोमीटर इस वीडियो में नोट करवाए थे उससे प्लस माइनस करके निकाल लें आप दिल कैलकुलेशन, सही है। तो ये जो है ये रोड यहाँ पर एंड हो जाता है। हाँ जी, तो जनाब ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो है ये इन्होंने थोड़ा सा बंद किया हुआ है, जगह छोड़ी हुई है बाहर और गाड़ी गुजरने, क्योंकि ये पहले नहीं था इस तरह, ये अभी इन्होंने लेवल किया हुआ है, सिर्फ कारपेट करना है, ठीक है। तो ये जो है ये सामने, अच्छा ये उस तरफ से जब आप आते हैं ना तो आप लोगों ने ना जहन में रखना है वो सामने एक पंप है, मेरे ख्याल PSO पंप है शायद, तो इससे पहले ही एक छोटी सी जगह इन्होंने छोड़ी हुई है, यहाँ से गाड़ियाँ इंटर होती है अक्सर, है ना, D17 से जब कोई आ रहा होता है ना, D17 और D17 की तरफ से जब कोई आ रहा होता है तो उसके लिए उन्होंने ये जो है किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने एक निशानी रखनी है, तो ये एक निशानी आप लोगों ने रखनी है, वो सामने पंप है, PSO पंप है, ठीक है। उससे थोड़ा सी इस तरफ करके ना ये छोटी सी जगह निकाली हुई है इन्होंने, सही है भाई। इधर से रास्ता किधर जाता है, इधर से तो रास्ता नहीं है, ये ना उधर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, वो रास्ता इस तरफ से बना हुआ है फिलहाल, उन्होंने अभी उसको बंद किया हुआ है, उसकी भराई वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये फिर ये रास्ता है इधर से, ये पहले वो उस तरफ से था थोड़ा सा बहरहाल, लेकिन चलो अब इधर से है, गाड़ी शाड़ी गुजर जाती है, ये थोड़ी सी रास्ता है। तो इधर से फिर आप लोगों ने वो सामने रोड पर चढ़ जाना है, ठीक है ना। ये कोई मजदूर वगैरह ने कहीं जगह ढूंढी हुई है पानी शानी के लिए, स्विमिंग पूल टाइप चीज़ बनाई हुई है कुछ, गर्मी को मानने, आज गर्मी भी बहुत सख्त है। तो देखें आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है इस सख्त गर्मी में, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट करना है लाजमी, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी, लाइक करना है लाजमी, ठीक है, पूरी वीडियो देखें। ये जनाब हम रोड पर निकल आए हैं, वो PSO पंप है, ठीक है ना। PSO पंप के साथ ही ना आपने इधर ना ये कच्चा सा रास्ता बनना हुआ है, इसी में इंटर हो जाना है, ये आगे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, ये भी निशानी है, ठीक है, इधर से आप लोगों ने इंटर होना है। चलें जनाब अभी मुझे दें आप लोग इजाज़त, ठीक है, एहतियात से गाड़ी चलाया करें, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।